देश में बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है अरुणा शामबाग की, जिसने कोर्ट की चौखट पर इच्छा मृत्यु तक की मांग की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर बेटिया से रेप और मर्डर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सालों पुराने अरुणा शामबाग मामले का जिक्र किया। अरुणा शामबाग 42 साल तक कोमा में रही थी और साल 2015 में उनका निधन हुआ था। क्या है अरुणा शामबाग का मामला? अरुणा शामबाग क्यों इतने सालों तक कोमा में रही? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 23 साल की उम्र में अरुणा शानबाग ने जो जख्म झेला, वैसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है। आज अगर अरुणा शानबाग जिंदा होती तो उनकी उम्र करीब 75 साल होती। कर्नाटक के हल्दीपुर में उत्तर कन्नड़ इलाके में अरुणा शानबाग की पैदाइश होती है। घर में 8 भाई बहन थे और 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद अरुणा शानबाग कर्नाटक से अपनी बड़ी बहन के पास मुंबई पहुंच जाती है। यहां पर वो हॉस्टल में रहकर नर्सिंग का कोर्स शुरू कर देती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद मुंबई के ही किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में 1971 में जूनियर नर्स के तौर पर काम करने लगती है। उस अस्पताल में एक डिपार्टमेंट में कुत्तों के ऊपर दवा का एक्सपेरिमेंट होता था और उनको दवा देने की जिम्मेदारी अरुणा शानबाग की थी। इसी जगह पर एक रेजिडेंट डॉक्टर से उनको प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। डॉक्टर और अरुणा की शादी जनवरी 1974 में होनी तय होती है। इसी अस्पताल में एक वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि भी काम करता था, जो कि यूपी का रहने वाला था और काम की तलाश में मुंबई पहुंचा था। वो यहां पर कुत्ते वाले डिपार्टमेंट में साफ सफाई का काम करता था। बताया जाता है कि मोहनलाल के काम और कुत्तों के लिए आने वाले खाने को चोरी को लेकर अरुणा शानबाग ने उसको कई बार डांटा था। इसके साथ ही सोहनलाल की सास की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उसने अरुणा शानबाग से छुट्टी मांगी थी, जिसको उसने नहीं दिया था और सोहनलाल को लिखित शिकायत करने की बात कही। दोनों के बीच रिश्ते काफी खराब थे और फिर 27 नवम्बर 1973 को रात के करीब 8 बजे अरुणा शानबाग अस्पताल के बेसमेंट में ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने कपड़े बदलने के लिए जाती है। वहां पर पहले से सोहनलाल मौजूद था। वो अरुणा शानबाग के साथ हाथापाई करता है। बताया जाता है कि वो अरुणा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कुत्ते के गले में डालने वाला चैन डालकर कस देता है। इससे अरुणा की गर्दन की नस दब जाती है और उसके दिमाग में जाने वाली खून का सर्कुलेशन रुक जाता है। अरुणा बेहोश हो जाती है और उसके बाद सोहनलाल उसके साथ रेप करके वहां से भाग जाता है। 10 से 11 घंटे तक अरुणा शानबाग उसी बेसमेंट में पड़ी रही। फिर दूसरे सफाई कर्मी ने उसको देखा। शोर मचाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर ने देखा कि वो कोमा में जा चुकी है। गले में चेन के दबाव की वजह से उसकी सुनने बोलने की शक्ति चली गई और लकवा भी मार गया। इस तरह से अरुणा शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के वार्ड नंबर 4 के एक रूम में एक जिंदा मुर्दा की तरह करीब 42 साल तक पड़ी रही। इस घटना के करीब 34 साल बाद एक पत्रकार अरुणा शानबाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की मांग करती है। इसमें कहा गया है कि वो करीब 34 साल से जिंदा लाश की तरह है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु देने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार दिए गए हैं, ऐसे में किसी को इच्छा मृत्यु की अनुमति देना उसका उल्लंघन होगा और देश में सुसाइड के लिए जो कानून है उसका भी उल्लंघन होगा। इसके बाद 18 मई 2015 को निमोनिया होने के कारण अरुणा शानबाग की उसी अस्पताल में मौत हो जाती है।